किसानों के साथ फर्जीवाड़ा करने के लिए कुख्यात कटनी जिले की खितौली सहकारी समिति का एक और फर्जीवाड़ा सामने आया है। जोगुआ के पास रहने वाले लक्ष्मण मिश्रा का निधन 2003 में हो गया था। उसकी मौत के 15 साल बाद 2018 में मृतक लक्ष्मण के नाम से 1,80,000 रुपए का ऋण सोसाइटी से निकाला गया। लक्ष्मण के पुत्र अरुणेश मिश्रा के पास ऋण वसूली का नोटिस पहुंचा तो उसके होश उड़ गए। फर्जीवाड़े की जांच कराने व मृतक के नाम से ऋण निकालने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग को लेकर पीड़ित ने SDM को शिकायती पत्र सौंपा। इस बड़े फर्जीवाड़े को लेकर सोसाइटी केंद्र में किसानों के लिए मध्य प्रदेश शासन द्वारा चलाई जा रही योजनाओं में भ्रष्टाचार किस कदर हो रहा है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि किस कदर सोसाइटी के अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा जमकर फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। लक्ष्मण की मौत के 15 साल बाद उसके नाम से राशि निकल गई। अब उसका पुत्र परेशान है कि मृत उसके पिता ने कैसे ऋण मरने के 15 साल बाद लिया होगा। क्या मांग है प्रशासन से आपकी? इसकी जांच कराए जाए। और सोसाइटी में मेरे पिताजी के नाम पे लोन निकलवा लिया गया है 1,80,389 रुपए 2018 में, और मेरे पिताजी का स्वर्गवास 2003 में हो गया था तो आपसे हमारे नोटिस आए थे तीन महीना पहले, तो हमको मालूम हुआ कि हमारे पिताजी के नाम पे कर्जा ला दिया गया है, तो इसलिए हम टाइमेट मध्य प्रदेश के लिए बरही से आनंद सराफ के रिपोर्ट। किसानों के साथ फर्जीवाड़ा करने के लिए कुख्यात कटनी जिले की खितौली सहकारी समिति का एक और फर्जीवाड़ा सामने आया है। जोगुआ के पास रहने वाले लक्ष्मण मिश्रा का निधन 2003 में हो गया था। उसकी मौत के 15 साल बाद 2018 में मृतक लक्ष्मण के नाम से 1,80,000 रुपए का ऋण सोसाइटी से निकाला गया। लक्ष्मण के पुत्र अरुणेश मिश्रा के पास ऋण वसूली का नोटिस पहुंचा तो उसके होश उड़ गए। फर्जीवाड़े की जांच कराने व मृतक के नाम से ऋण निकालने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग को लेकर पीड़ित ने SDM को शिकायती पत्र सौंपा। इस बड़े फर्जीवाड़े को लेकर सोसाइटी केंद्र में किसानों के लिए मध्य प्रदेश शासन द्वारा चलाई जा रही योजनाओं में भ्रष्टाचार किस कदर हो रहा है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि किस कदर सोसाइटी के अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा जमकर फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। लक्ष्मण की मौत के 15 साल बाद उसके नाम से राशि निकल गई। अब उसका पुत्र परेशान है कि मृत उसके पिता ने कैसे ऋण मरने के 15 साल बाद लिया होगा। क्या मांग है प्रशासन से आपकी? इसकी जांच कराए जाए। और सोसाइटी में मेरे पिताजी के नाम पे लोन निकलवा लिया गया है 1,80,389 रुपए 2018 में, और मेरे पिताजी का स्वर्गवास 2003 में हो गया था तो आपसे हमारे नोटिस आए थे तीन महीना पहले, तो हमको मालूम हुआ कि हमारे पिताजी के नाम पे कर्जा ला दिया गया है, तो इसलिए हम टाइमेट मध्य प्रदेश के लिए बरही से आनंद सराफ के रिपोर्ट।